उसके बाद एक और दोस्त क्वेश्चन पूछता है कि क्या ब्रह्मचर्य का पालन करने से सक्सेसफुल हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ब्रह्मचर्य के बारे में, और ब्रह्मचर्य में बात करने वाला हूँ कि एक दोस्त हमसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या UFC फाइटर्स ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, क्या वो अपने वीर को बर्बाद करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसका मैं आज आंसर करने वाला हूँ, और कुछ पॉइंट्स के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे वो लोग फॉलो करते हैं, एंड अगर फॉलो ना करें तो क्या होगा, और फॉलो करें तो क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं UFC फाइटर्स। तो दोस्त, ब्रह्मचर्य एक अलग चीज है, ब्रह्मचर्य एक बहुत अलग चीज है, उसका पालन कोई भी UFC फाइटर नहीं कर सकता है। कुछ कुछ फाइटर्स करते हैं जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, बट ज्यादातर हर एक UFC फाइटर NOFAP का पालन करता है। NOFAP का पालन करना ही करना होता है उसको, अगर वो फॉलो ना करे तो। अभी आप जानेंगे आगे की वीडियो में। उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि उसमें आपको अपने खान पान का भी ध्यान रखना पड़ता है, आपको मांस मछली नहीं खानी पड़ती है। तो जो UFC फाइटर्स, मैक्सिमम UFC फाइटर्स मांस मछली का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए कह सकते हो कि ये लोग ओनली NOFAP का पालन करते हैं, एंड NOFAP इज नॉट अ जोक। NOFAP और ब्रह्मचर्य का मेन मकसद यही है कि अपने वीर को बचाना है, बट जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप अलग तरीके से सीरियस हो जाते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि UFC फाइटर्स अगर फॉलो ना करें ब्रह्मचर्य को, NOFAP को पालन ना करें UFC फाइटर्स, तो क्या होगा। अगर UFC फाइटर्स ब्रह्मचर्य को तोड़ दें, NOFAP का पालन ना करें, तो कोई भी इंसान, कोई भी नॉर्मल इंसान UFC फाइटर बन ही नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात है, अगर आप फॉलो ना करें तो आप UFC फाइटर बिल्कुल भी गलती से भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि UFC में जाने के लिए आपको टेक्निक तो होनी ही चाहिए। मैं टेक्निक है, मान लिया आपके पास अगर टेक्निक है, खतरनाक UFC फाइटर की फाइटिंग की टेक्निक है आपके पास, बट आप में वीर की ताकत नहीं है, ब्रह्मचर्य की ताकत नहीं है, देन यू आर गोना लूज डेफिनेटली, हर एक फाइट आप हारेंगे। तो ये होता है अगर UFC फाइटर ब्रह्मचर्य का पालन ना करे, NOFAP का पालन ना करे, या फिर कोई कुश्ती लड़ता है कोई इंसान, या फिर कोई रेसलर होता है लाइक खबीब नर्मागोमेदोव, या फिर कोई भी रेसलर टाइप के होते हैं, तो ये लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, क्योंकि रेसलिंग में आपको पूरी की पूरी वीर की जरूरत होती है। मीन्स आप सोच सकते हैं कि एक वीर दूसरे वीर से लड़ रहा है, एंड दोनों के दोनों फाइट कर रहे हैं, एंड कौन किसको ज्यादा धकेल सकता है, तो ये ताकत होती है वीर की, तो उसमें आपको दिखानी पड़ती है ये ताकत। और मान लिया कोई UFC फाइटर अपने वीर को बहुत ज्यादा बर्बाद करता है, ब्रह्मचर्य को तोड़ता है, NOFAP का पालन नहीं करता है, तो उस बंदे का UFC करियर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा मीन्स उस बंदे के फेस में जो पंचेस पड़ेंगे तो वो उनको झेल नहीं पाएगा, एंड रेसलर उसको इजीली दबा देगा, एंड उसके बाद वो जल्दी भूला हो जाएगा, एंड उसको रिकवरी नहीं हो पाएगी उसकी बॉडी की, तो वो ऑटोमेटिकली उसका करियर खत्म हो जाएगा दोस्त। इसलिए UFC फाइटिंग इज नॉट अ जोक। अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करे तो क्या होगा, अगर UFC फाइटर ब्रह्मचर्य या फिर NOFAP का पालन करे तो क्या होगा। अगर UFC फाइटर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, NOFAP का पालन करते हैं, तो वो इंसान कभी भी हारेगा नहीं, लाइक खबीब नर्मागोमेदोव, उस बंदे को देख सकते हैं, वो हमेशा एक NOFAP का पालन करता है, अपने वीर को हमेशा बचाए रखता है वो बंदा, और वो उस ताकत को अपनी फाइट में दिखाता है। एंड वीर को बर्बाद करना मतलब ये होता है कि अगर आप वीर को बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं, NOFAP का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं केवल और केवल, दैट इज नॉट एंजॉयमेंट एट ऑल। वो क्या है, वो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ लाइफ है, वेस्ट ऑफ बॉडी है। तो आपको इसलिए इसको बचाना पड़ता है और इंजॉय करना पड़ता है अपनी लाइफ को, वीर को बचाए हुए इंजॉय करना पड़ता है। तो बहुत सारे दोस्त लोग पूछते हैं कि वीर को बहाना चाहिए या बचाना चाहिए, तो दोस्त वीर को बचाओ और बचाने के बाद इंजॉय करो अपनी लाइफ को। ये मत सोचो कि वीर को बचा के मेरे को कोई प्रॉब्लम होने वाली है, कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होने वाली दोस्त। उसके बाद एक और दोस्त क्वेश्चन पूछता है कि क्या ब्रह्मचर्य का पालन करने से सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्या सक्सेस मिल सकती है हमको। तो डेफिनेटली 100% आप सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो हमेशा अपनी क्लास में टॉप मारेगा, कोई एग्जाम होकर डेफिनेटली टॉप मारेगा, वो कभी भी इंसान भूलेगा नहीं, और उसकी याददाश्त बढ़ेगी, एंड उसको एंजॉय होगा जब वो पढ़ेगा तो, एंड जब वो बॉडी बनाएगा तो बहुत तेजी से बॉडी बनेगी उसकी। तो सोच सकते हैं कि यही तो आपको चाहिए होता है अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी, अपना माइंड, एंड आपका पूरा कंसंट्रेशन पावर। जब वो इंसान मेडिटेशन करेगा तो वो भटकेगा नहीं अपने दिमाग से। तो आप सोच सकते हैं कि ये होते हैं फायदे
ब्रह्मचर्य का पालन करने के। ना कुछ दोस्त लोग पूछते हैं कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता हूँ तो क्या करूँ, तो उसके लिए क्या करना है आपको, नॉर्मली दोस्त मेडिटेशन करना है ग्रेट तरीके से। मेडिटेशन के साथ साथ अपने दिमाग से पूरी चीज़ें निकालनी है, अच्छी चीज़ें सोचो, हर एक लड़की की रिस्पेक्ट करो और दिमाग को हमेशा क्लियर रखो, साफ रखो। कभी भी ऐसे काम मत करो जो कि आपको लगता है कि मेरे लिए या फिर मेरी बॉडी के लिए ये अच्छे काम नहीं है, ऐसे काम ना करो गलती से भी। एंड अच्छा भोजन खाओ, अच्छा भोजन खाओ, अच्छी बॉडी बनाओ, देन डेफिनेटली यू विल इंजॉय योर लाइफ दोस्त, यू विल इंजॉय योर लाइफ। एंड UFC फाइटर अगर कोई बनना चाहता है हमारे इंडिया में, बहुत सारे दोस्त लोग बन सकते हैं बट इंडिया में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है UFC फाइटिंग में, UFC फाइटर्स को ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता है यहाँ पे, कोई पूछता नहीं है, कोई जानता नहीं है इन फाइटर्स को, बट ये UFC फाइटर्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, फाइट करने के लिए पैदा होते हैं एंड फाइट करना इज नॉट अ जोक। सो अगर आप भी UFC फाइटर्स की तरह अपनी बॉडी चाहते हैं, अपनी हेल्थ चाहते हैं एंड उनकी तरह श्रेडेड एंड फाड़ बॉडी चाहिए आपको, तो डेफिनेटली आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना चाहिए। एंड उसके साथ साथ UFC फाइटर्स के बारे में एक खतरनाक बात है कि वो लोग कभी भी स्टेरॉइड्स का यूज़ नहीं करते हैं, उनकी बॉडी पूरी की पूरी नेचुरल होती है, जो टाइट बॉडी होती है जो देखते हैं आप वो पूरी की पूरी नेचुरल बॉडी होती है। लाइक आप सुशील कुमार को ले लीजिए, उस बंदे की बॉडी पूरी की पूरी नेचुरल है, उस बंदे ने कभी भी स्टेरॉइड्स का यूज़ नहीं किया है, वो बंदा शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी है। ऐसे ग्रेट फाइटर्स कभी कभी पैदा हो पाते हैं हमारे देश में। तो अगर आप चाहते हैं कि हर एक इंसान इस देश में ऐसा बने तो डेफिनेटली आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा दोस्त, और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो इस चैनल को। डेफिनेटली वी विल डू समथिंग बेटर एंड ग्रेट। सो आज की वीडियो इतनी थी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और कमेंट करना आपको कि कैसी लगी वीडियो, एंड वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास